नमस्कार जी, कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 20 जुलाई और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। आज बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज में लगने वाले लगातार लोअर सर्किट के बारे में, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। फ्रेंड्स, जैसा कि पीछे मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें बताया था कि आलोक इंडस्ट्रीज के शेयर प्राइस 30 रुपये तक नीचे जा सकते हैं, उसके बाद भी इसके नीचे जाने की गुंजाइश कम ही बचती है। वैसे शेयर बाजार है, कई बार चीजें अनिश्चित होती हैं। तो फ्रेंड्स, आज की लोअर सर्किट के बाद आलोक इंडस्ट्रीज के शेयर प्राइस लगभग मेरे बताए गए एनालिसिस 30 रुपए वाले लेवल तक आ चुके हैं। तो कल की प्राइस मूवमेंट क्या रहेगी, इसे जानने से पहले इसके रिटर्न की स्थिति को देख लें। तो यहाँ देखेंगे कि एक दिन में आज की तारीख में इसने 4.86% का लोअर सर्किट लगाया और 5% का अपने निवेशकों का नुकसान किया। अगर एक वीक की बात करें तो एक वीक में 22.50% लगभग 22.5% का निगेटिव ग्रोथ हुआ है। और अगर एक महीने की बात करें तो एक महीने में आप देखेंगे कि इसने अपने निवेशकों का लगभग 12% का नुकसान किया है। लेकिन अगर एक साल की बात करें तो एक साल में इसने अपने निवेशकों को लगभग उनका पैसा 11 गुना किया है, क्योंकि इसने रिटर्न लगभग 1000% के दिए हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो रही इसके रिटर्न की स्थिति। अब इसके कारोबार को अगर एनएससी की वेबसाइट पर देख ली जाए तो आप यहाँ देखेंगे कि ऑर्डर बुक को देख करके ये दिख रहा है कि सेलिंग क्वांटिटी 7,58,887 शेयर अभी भी लगी हुई है और बाइंग क्वांटिटी नील है। तो फ्रेंड्स, क्वांटिटी जो टोटल ट्रेडेड हुई है उस 37,12,965 शेयर्स की और डिलीवरेबल क्वांटिटी 37,12,964 शेयर की। तो फ्रेंड्स, लगभग डिलीवरी की जो परसेंट है वो 100% है। तो इस पूरी ट्रेड सेटअप को और ऑर्डर बुक को देख करके जो चीजें निकल के आ रही हैं, उसमें इसकी जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कहीं ना कहीं अभी भी आने वाले दिनों में डरावने संकेत दे रहे हैं और इसकी जो डिलीवरी की क्वांटिटी है वो कहीं ना कहीं हमें आशा बंधाती है कि इसमें जो भी आज निवेश कर रहे हैं उनका इसमें नजरिया बुलिश है। तो फ्रेंड्स, इसमें अब आगे बढ़ने से पहले इसके अगर हम हिस्टोरिकल डाटा को देखें तो चीजें और भी स्पष्ट हो रही हैं। तो आपके लिए मैंने इसमें एक महीने के हिस्टोरिकल डाटा लगाई है। और मैं क्यों बोला कि वॉल्यूम जो है वो डरावने हैं, तो आप देखेंगे कि जितने दिनों तो आलोक इंडस्ट्रीज के अंदर अपर सर्किट लग रहे थे तब की वॉल्यूम कितनी है। तो यहाँ देखिए कि 2,78,000, 2,85,000, 3,36,000, 14,00,000, एक ही दिन ऐसा है कि ज्यादा वॉल्यूम दिख रहा है 14,00,000 के आसपास, नहीं तो सब 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000 के आसपास की रेंज है। एक दिन लगभग 10,00,000 के आसपास की रेंज है जो 9,85,000 की है। तो फ्रेंड्स, ये तो रही अपर सर्किट का सीन। लेकिन जैसे ही इसमें लोअर सर्किट शुरू होता है 3 जुलाई से, वहां से चीजें आप बहुत क्लियर समझ पाएंगे कि पहले दिन ही जिस दिन लोअर सर्किट लगता है 2,31,04,991 शेयर बेचे जाते हैं। तो यहां से लगता है कि चलो जिसको निकलना है निकल लिया, अब इसमें नॉर्मल एक डिलीवरी शुरू होगी, नॉर्मल एक वॉल्यूम शुरू होगा। लेकिन नहीं होता ऐसा, दूसरे दिन फिर से 48,00,000 शेयर बेचे जाते हैं। इसके बाद तीसरे दिन फिर से 12,00,000 शेयर बेचे जाते हैं, चौथे दिन फिर से 10,00,000 शेयर बेचे जाते हैं, उसके बाद फिर से 15,00,000 शेयर बेचे जाते हैं। और फ्रेंड्स, 10 जुलाई को हद तो तब हो गई जब एक दिन के अंदर 12 करोड़ से ऊपर शेयर बेचे जाते हैं। तो वहां पे एक उम्मीद भी बंधी थी, उस दिन रेट लगभग 41 रुपए का था, तो वहां उम्मीदें बंधी थी कि चलो जिसको निकलना था मैक्सिमम लोग निकल गए। लेकिन सीन वैसा हुआ नहीं, उसके दूसरे दिन फिर से लगभग 3.5 करोड़ शेयर की वॉल्यूम निकल के आई। तो ये लग रहा है कि अब इसमें ऑपरेटर अपना माल बेच रहे हैं और ऑपरेटर का खेल इसमें कहीं ना कहीं निश्चित रूप से लग रहा है, क्योंकि फिर से इतनी वॉल्यूम कहां से निकल के आ रही है। आप देखेंगे कि 19,00,000, फिर 2,60,00,000, आज भी 37,00,000। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से देख रहे हैं कि जो पीछे अपर सर्किट में थोड़े दिनों में जो माल खरीदे गए थे उसके कई कई गुना ज्यादा तो एक एक दिन में माल बेचे गए हैं। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब जिन लोगों ने होर्डिंग किया हुआ था और जिन लोगों ने यहाँ पे मार्केट का माल खरीद करके एक अपर सर्किट का सीन बना रहे थे, वो लोग अपना माल यहाँ बेच करके अपना मुनाफा बुक कर रहे हैं और इस तरीके से ये लोअर सर्किट का पूरा माहौल बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये तो रही इसके ट्रेड सेटअप की बात और इसके ऑर्डर बुक की बात और इसके एनएससी की वेबसाइट पर कारोबार की स्थिति। अब अगर इसकी प्राइस मूवमेंट को देखें तो चीजें और भी
स्पष्ट होगी। तो यहां सबसे पहले हम इसके आरएसआई की स्थिति को देखें, तो आरएसआई की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो 44 के आसपास निकल के आ रही है। तो वैसे 44 का जो नंबर है वो कमजोर नहीं है, लेकिन इसकी जो सिचुएशन है बिल्कुल नोज डाइव करती हुई तो इसके कमजोर स्थिति को दिखा रही है। फ्रेंड्स, अगर इसके एमएससीडी की बात करें तो आरएसआई के जैसा ही एमएससीडी भी बिल्कुल नोज डाइव करता हुआ दिख रहा है, तो प्राइस में कमजोरी के ये भी संकेत दिखा रहे हैं। और फ्रेंड्स, जिस आधार पे हमने एनालिसिस करी थी वो इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारे 50 डेज का ईएमए, और उसकी वैल्यू निकल के 31 रुपए के आसपास आ रही थी। आज के ट्रेडिंग सेशन में इसने अपने उस 50 डेज के ईएमए को ऑनर नहीं किया है, वहां से ये उसे ब्रेक करके और निचली स्तरों पर आ चुका है 30 रुपए के आसपास। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मेरा अपना एनालिसिस था कि जो 30 रुपए का वैल्यू है वो लास्ट नीचे का लेवल होगा, तो आने वाले दिनों में हम उम्मीद कर सकते हैं कि यहां से इसमें एक प्राइस रिवर्सल दिखे। लेकिन इसके ट्रेड के जो सेटअप हैं, जो ऑर्डर बुक है, उसको देख करके अभी भी लग रहा है कि जो ऑपरेटर्स हैं वो अपना मुनाफा बुक करना चाहते हैं और वो पूरा माल छोड़े हुए हैं मार्केट के अंदर, और इतनी बायर की संख्या नहीं है और या इतनी बायर की कैपेसिटी नहीं है कि वो उसे और माल अधिक बाई कर सके, और इस वजह से लोअर सर्किट लगता हुआ दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, कल के दिन जो होंगे वो बहुत इस शेयर के लिए बहुत क्रूशियल डेज होंगे। अगर कल भी लोअर सर्किट लगता है तो ये मान के चलिए कि उसके आने वाले दिनों में भी कुछ दिन और लोअर सर्किट लगने की गुंजाइश बन जाएगी, और कल अगर प्राइस की रिवर्सल हो जाती है ऊपर की ओर तो इसमें प्राइस की मजबूती रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये रही मेरे तरफ से एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन के आधार पर आप कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए अपनी एक रिसर्च करें, अपना एक स्टडी करें और उसके बाद ही कोई फाइनल निर्णय लें। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।